नागपुर के वेणा डैम में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। नागपुर में हादसे से पहले नाव में सवार लोगों की मौज मस्ती का वीडियो सामने आया। लालू के घर छापों के बाद सीएम नीतीश ने बुखार का हवाला देकर लोक संवाद कार्यक्रम रद्द किया। सुशील मोदी ने आरजेडी जेटीयू विधायकों से तेजस्वी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाने की अपील की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लालू अपने विधायकों की संख्या दिखाकर नीतीश को डराना चाहते हैं। लंदन के मशहूर कैमिडेन मार्केट में लगी भीषण आग में करोड़ों का माल जलकर राख हुआ। सैफ और करीना के व्यस्त रहने की वजह से तैमूर कुछ समय के लिए अपनी दादी के पास पहुंचा। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में महाकाल की आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से मशीन गन और मोर्टार फायरिंग का सेना करारा जवाब दे रही है। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने एसपी पार्षद आरिफ गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के फर्श बाजार में दिव्यांग महिला के रेप का आरोपी ऊबर चालक गिरफ्तार किया गया। ब्रिटेन में पहले ट्रांसजेंडर 21 साल के हेडन क्रॉस ने एक बच्ची को जन्म दिया। पाकिस्तान में पनामा गेट घोटाले की जांच कर रही जेआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पौड़ी में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने अपनी समुद्री सीमा पर पहुंचे 78 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। दूरसंचार विभाग ने 1 जनवरी 2018 से मोबाइल में जीपीएस चिप लगाना अनिवार्य किया। 11 जुलाई से शुरू हो रहा उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 28 जुलाई तक चलेगा। आगरा में छात्रा से अश्लील हरकत और वीडियो बनाने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपी पंजाबी कवि सुरजीत सिंह गग को गिरफ्तार किया गया। आगरा में गैंगरेप पीड़ित ने इंसाफ न मिलने पर सीएम योगी से ट्विटर पर इच्छा मृत्यु मांगी है। यूपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने हरियाणा के विधायकों सांसदों से समर्थन मांगा। सीबीआई छापेमारी के बाद लालू यादव ने 27 अगस्त की रैली के लिए आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई। मंगल की जहरीली सतह की वजह से वैज्ञानिक अब सतह से नीचे जाकर जीवन की खोज करेंगे। बीसीसीआई आज भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के लिए आवेदकों का इंटरव्यू लेगी। टीम इंडिया के कोच के लिए रवि शास्त्री और सहवाग समेत कुल 10 दिग्गजों ने आवेदन किया है। प्रवीण मुदोलकर की बड़ी खबर, बीती रात नागपुर के वेणा डैम में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त नाव में कुल 11 लोग सवार थे जिनमें 3 सुरक्षित तैरकर किनारे आ गए जबकि 8 लोग पानी में डूब गए थे। लापता लोगों की खोज के लिए डैम में तलाशी अभियान जारी है और इस बीच हादसे कुछ देर पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नाव पर सवार कुछ लड़के सेल्फी खींचते दिखाई दे रहे हैं और ये सभी लोग एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे। ऐसे में ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कहीं हादसे की वजह ये सेल्फी तो नहीं है। लड़बाजी वाले वो शराब पी के वो जबरदस्ती नाव पे बैठने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे कि हम तुमको पैसा देंगे, हमको बैठने दो, थोड़ा शहर घुमा के लाओ, इसलिए वो नाव पे बैठे थे। तो उन्होंने बोला चलो थोड़ा सा एक चक्कर मार के लाएंगे, लेकिन उन्होंने नाव पे बैठने के बाद बहुत ही हुल्लड़बाजी चालू कर दिया। प्रवीण, जो लोग लापता हैं क्या उनका कुछ पता चल पाया अभी तक? जी, हम देख सकते हैं कि अभी 2 बॉडी जो है सुबह से मिली है, एक बॉडी जो है कल शाम को रात को मिली थी, उसके बाद ये 2 बॉडी जो है अभी मिली है। 3 लोग जो है अभी भी इस हादसे में जो है उनका कोई पता जो है अब तक नहीं मिला है। कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में 11 लोग जो है वो बोट में बैठे थे और सेल्फी खींचने के चक्कर में ये पूरा हादसा जो है होने की बात सामने आ रही है। जो वीडियो आई भी हमारे हाथ में लगा है, न्यूज 18 इंडिया के हाथ में, उस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये लोग जो है वो ओवरलोडेड बोट में बैठे हुए थे और इसी इसमें पार्टी होने के बाद में फोटो भी खींच रहे थे, सेल्फी भी खींच रहे थे। तो अब तक 3 लोग जो है, 3 लोगों के बारे में कोई पता नहीं चला है और 3 बॉडीज जो है वो रिकवर कर दी गई है। अर्धात कार्य जो है बड़े जोरों पर यहाँ पे शुरू है और देख सकते हैं कि कई और से टीमें भी यहाँ पे आई है। शुक्रिया प्रवीण। केंद्र ने एससी से कहा कि मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। लखनऊ की अदालत में रेप मामले में गायत्री प्रजापति के खिलाफ आज आरोप तय होगा।
मालाबार में आज से भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं साझा अभ्यास करेंगी। एसवाईएल मुद्दे पर आईएनएलडी ने आज पंजाब से हरियाणा दिल्ली आने वाली बसों को रोकने का ऐलान किया। दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में नाबालिग के रेप के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के चेहरे पर काली पोती गई। कानपुर पुलिस ने एक शख्स की मौत के बाद उसके परिजनों की आर्थिक मदद कर मिसाल पेश की। एमपी के अशोकनगर में 40 फीट गहरे कुएं में गिरे हिरण को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 9 महीने चली जंग के बाद इराक के पीएम ने मोसुल शहर को आईएसआई से आजाद कराने का ऐलान किया। तुर्की के इस्तांबुल में सरकार के खिलाफ पिछले 25 दिनों से चल रही प्रदर्शन और तेज हो गया। संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही रणबीर कपूर की फिल्म दत्त का फर्स्ट लुक जारी किया गया। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए विपक्षी पार्टियों के नेता कल बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ के अकेले निर्दलीय एमएलए विमल चोपड़ा ने रामनाथ कोविंद को वोट देने की घोषणा की। पुणे के राजगुरु नगर में 50 साल की महिला का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के चंदौली में गंगा में नहाने गए 2 लड़कों की डूबकर मौत हो गई। बिहार में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हुई। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए सीएम हेल्पलाइन बनेगी। राजस्थान के कोटा में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 6 साल के बच्चे ने परिवार से जिद करके घर में शौचालय बनवाया। झारखंड के सरायकेला में 4 दिन से लापता 2 दुकानदारों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के खटीमा में 3 तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के नवगछिया में अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से फिल्मिंदू सरकार पर कार्रवाई की मांग की है। कॉमेडियन कपिल शर्मा नेत्रहीन लोगों के काम आने वाली 100 साइकिलों का दान करेंगे। जमैका में खेले गए इकलौते T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर, यूपी के मेरठ में बीती रात कुछ बदमाशों ने समाजवादी पार्टी के पार्षद आरिफ गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त आरिफ एक दोस्त के साथ एक दुकान के बाहर खड़े थे, तभी कुछ हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इस हमले में गंभीर रूप से घायल आरिफ ने अस्पताल जाते वक्त बीच रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि उनके साथी की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्कर्ष, क्या कोई अभी तक गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है और वजह साफ हो पाई है क्या ये हत्या को अंजाम क्यों दिया गया? देखिए अर्पिता, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो मेरठ पुलिस है वहाँ उसने जरूर कुछ टीमें बनाई हैं और टीमों को अलग अलग इलाकों में दबिश के लिए कहा गया है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी हमलावर है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सरेआम ये वारदात हुई है उसके बावजूद अभी तक कोई भी गिरफ्तारी कर पाने में मेरठ पुलिस नाकाम रही है और पुलिस इस पूरे मामले को आपसी रंजिश के एंगल से देख रही है। तो यही मानी चल रही है कि आपसी रंजिश के कारण ये पूरा का पूरा हमला हुआ है और इसी के आधार पर वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया उत्कर्ष। उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर मंगलवार को विपक्ष की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज देहरादून में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दार्जिलिंग में फिर से भड़के हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कैंप को आग लगा दी। चीनी मीडिया ने धमकी देते हुए कहा कि तीसरे देश की सेना भी कश्मीर में घुस सकती है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए 3rd AC की लोअर बर्थ आरक्षित होगी। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। सावन के सोमवार पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए। अपने समय की मशहूर अभिनेत्री सुमिता सान्याल का 71 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोगों की सुविधाओं के लिए साइकिल शेयरिंग योजना शुरू की गई। महाराष्ट्र के अकोला में गौमांस ले जाने के शक में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तुर्की के इस्तांबुल में 22वें वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस की शानदार शुरुआत हुई। डेनमार्क की एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद एक शख्स की क्रेन की मदद से बचाया गया।
श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई। यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसे में 2 पुलिस वालों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा में अमेरिकी विमानों की उड़ान भरने के बाद परमाणु हमले की धमकी दी। यूपी के बागपत में 2 गुटों के संघर्ष में 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। पीएम मोदी ने बाढ़ग्रस्त असम के सीएम सोनोवाल से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। कोर्ट की अवमानना के मामले में एससी आज विजय माल्या के खिलाफ आदेश पारित कर सकती है। बिहार के बेगूसराय में लोगों को पत्थर मारने वाले शराबी को भीड़ ने जमकर पीटा। राजस्थान के चूरू में 33 लाख की अवैध शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के सिरोही में तेल टैंकर पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। दिल्ली में आईटीओ के पास ऑटो में बैठी महिला से 6 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूटपाट की। मुंबई के वर्ली इलाके में एक इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 20 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लापता है। नए वेब सीरीज शो स्मोक में मंदिरा बेदी एक माफिया की पत्नी का किरदार निभाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यूएस मरीन के जवान को कैप पहनाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल के ऊना में बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा में शामिल होंगे। झारखंड के जमशेदपुर में आपसी रंजिश में 2 लोगों ने महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। सेना में खराब खाने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक 2025 तक भारत 7.7% की दर से विकास करने वाला देश होगा। हरियाणा के सोनीपत में यमुना नदी में नहाने गए 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। लंदन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 211 रन से हरा दिया। यूपी के हमीरपुर में प्रेमी को मंडप से अगवा करने वाली रिवॉल्वर रानी ने शादी। 22वें एशियाई चैंपियनशिप में 800 मीटर की दौड़ में अर्चना आधव ने गोल्ड मेडल जीता। भुवनेश्वर में रंगारंग आतिशबाजी के साथ 22वीं एशियाई चैंपियनशिप का समापन हो गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक आदमी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। पोलैंड में सड़क निर्माण के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के समय का बम मिलने से हड़कंप मचा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट हैक करने के पीछे रूस का हाथ है। गुरुग्राम में छेड़खानी का विरोध कर पिटाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। गड एक्सप्रेसवे से वीडियो सामने आया जिसमें बाइकर्स घोड़े के साथ रेस लगा रहे हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में गर्मी से लगी आग फैलती जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रॉली और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। बिहार के मोतिहारी में लूट के इरादे से आए बेखौफ बदमाशों ने दवा कारोबारी की गोली मार के हत्या कर दी। यूपी के सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों से फूहड़ गीत नहीं बजाने की अपील की है। मथुरा में 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर महिला से 50,000 रुपए और गहने लूट लिए। साइबर सुरक्षा पर रूस से मिलकर काम करने के ट्रंप के बयान पर रिपब्लिकन सीनेटर ने नाराजगी जताई है। एमपी के खरगोन में 70 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला। यमन के उप प्रधानमंत्री अब्दुल मलिक 3 दिन के भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। गुजरात के सोमनाथ में कुएं में गिरे शेर के शावक को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। इलाहाबाद में जीटी रोड पर चलती मारुति वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई।